हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल जेआर मंत्रा। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आई होप कि आप सब ने बीएड की प्रैक्टिकल की फाइल्स बना रहे होंगे। तो अगर आप फाइल बना रहे हो, टॉपिक बना रहे हो व्याख्या कौशल का, क्या होता है व्याख्या कौशल, ये मैं आपको बताने वाली हूँ एक्सप्लेनेशन स्किल के बारे में। तो देखिए, इसके पहले मैंने आपको यहाँ पर देख लीजिए, इसके पहले मैंने आपको उद्देश्य लेखन कौशल पर, ऑब्जेक्टिव राइटिंग स्किल पर लेसन प्लान प्रोवाइड किया हुआ था और टॉपिक था आपका काकी। और इसके बाद मैंने आपको प्रस्तावना कौशल पर, यहाँ पर आप देख सकते हैं, प्रस्तावना कौशल पर भी वीडियो प्रोवाइड किया हुआ है। ये आपका टॉपिक था यहाँ पर काकी, इस पर मैंने आपको प्रोवाइड किया हुआ है। और जो आज का हमारा टॉपिक है, ये है व्याख्या कौशल, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है ये वीडियो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि व्याख्या कौशल क्या है। व्याख्या, जैसा कि आपको नाम से ही, इसके शब्द से ही क्या होगा, क्लियर होगा कि व्याख्या मीन्स होता है एक्सप्लेनेशन, कौशल मीन्स होता है कोई स्किल, मीन्स जो आपका शिक्षण की जो शैली है। जैसे कि आपने क्या किया, सबसे पहले उद्देश्य कौशल, उद्देश्य लेखन कौशल, मतलब आपका क्या उद्देश्य था बच्चों को उस टॉपिक को पढ़ाने का, क्या उद्देश्य था, ठीक है, वो आपने क्लियर किया। इसके बाद आपने किया प्रस्तावना कौशल, मीन्स आपका जो टॉपिक है उस टॉपिक तक बच्चों को क्वेश्चन आंसर के माध्यम से ले जाना, बच्चों के द्वारा ही उस टॉपिक को जानना, इसे हम कहते हैं क्या, प्रस्तावना कौशल, ठीक है। इसमें आप इजी लैंग्वेज का यूज़ करेंगे इनके प्रश्नों में, जो उनके वास्तविक नॉलेज से, वास्तविक ज्ञान से संबंधित होगा। नेक्स्ट आपका आता है व्याख्या कौशल, इसमें हम क्या करते हैं, बच्चों ने जान लिया कि उनका कौन सा क्या है टॉपिक है, बच्चों के द्वारा आप आंसर के रूप में प्राप्त किए हैं। अब आप क्या करेंगे, अपने इस टॉपिक के बारे में जो प्रेजेंटेशन देंगे, मींस आप जो भी आपका टॉपिक है उसके बारे में जो इजी लैंग्वेज का यूज़ करते हुए आप बच्चों को क्या करेंगे, व्याख्या देंगे इस टॉपिक के बारे में, तो इसे हम कहते हैं व्याख्या कौशल। जैसे कि आपकी जो बुकिश लैंग्वेज होती है वो टफ हो सकती है, बट जो आपकी व्याख्या होगी वो आपके सरल शब्दों में होगी, जो बच्चों के लिए आसान भी होगी और बच्चे क्या करेंगे, उसको ऑब्जर्व भी कर पाएंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। बुकिश लैंग्वेज से अच्छा क्या होता है, आप अपने लैंग्वेज में जो व्याख्या देते हैं, इसे हम कहते हैं यहाँ पर व्याख्या कौशल। आई होप कि आप समझ चुके होंगे, आई होप कि मैं आपको अंडरस्टैंड कर पाई होंगी। तो यहाँ पर देखिए, आपके कुछ पॉइंट्स हैं, इसमें देखिए छात्र अध्यापक का नाम है, यहाँ पर अपना नाम फिल करेंगे, फिर आपका पाठ शीर्षक, मीन्स क्या आपका टॉपिक है, व्याख्या कौशल आपका टॉपिक है। नेक्स्ट आपका किस क्लास का है, तो यहाँ पर क्लास 6 का है। नेक्स्ट आपका अवधि 6 से 8 मिनट होती है, क्योंकि ये सूक्ष्म शिक्षण होता है। इसके बाद आपका दिनांक है, दिनांक में आपका यहाँ पर होगा जिस भी दिन आप इस टॉपिक को पढ़ा रहे होंगे, ठीक है। तो इसमें देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे छात्र अध्यापक द्वारा स्पष्ट प्रारंभिक कथन या प्रस्तावना कथन होना चाहिए, ठीक है। मीन्स आपका जो प्रारंभिक कथन होगा, मीन्स आप जो भी स्टार्टिंग में जिस भी माध्यम से बच्चों को क्या करेंगे, प्रस्तावना दे रहे हैं कि आप अपने टॉपिक के बारे में, वो आपका क्या होता है, बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए। आप घुमा फिरा के क्वेश्चन नहीं करेंगे, बिल्कुल एग्जैक्ट क्वेश्चन करेंगे और बच्चे उसका एग्जैक्ट आंसर देंगे, क्योंकि आपका जो क्वेश्चन होगा वो सरल होगा। नेक्स्ट है आपका कथनों को जोड़ने वाली कड़ियों का समुचित प्रयोग होना चाहिए, मीन्स जो आपका कथन, आप जो भी जोड़ के बच्चों को क्या कर रहे हैं, व्याख्या दे रहे हैं, वो क्या होना चाहिए, समुचित प्रयोग होना चाहिए उसका, उसमें एक कड़ी होनी चाहिए, रिलेशन होना चाहिए, ठीक है, आप उटपटांग इधर उधर नहीं पढ़ाएंगे। नेक्स्ट है आपका मूल बिंदुओं का समावेश होना चाहिए, मीन्स जो भी आपका बेसिक टॉपिक, जो टॉपिक का बेसिक नॉलेज है, बेसिक पॉइंट है, उसके बारे, उसका समावेश होना चाहिए आपका व्याख्या में। तकनीकी शब्द का अर्थ स्पष्ट करना चाहिए, मीन्स जो भी आपकी बुकिश लैंग्वेज में जो भी टफ वर्ड्स हैं उसको क्या करेंगे, आप एक्सप्लेन करेंगे अच्छे तरीके से और उसका स्पष्ट अर्थ बताएंगे कि इसका स्पष्ट अर्थ क्या है। व्याख्या करते समय कुछ दृश्यों का प्रयोग किया जाना चाहिए, मीन्स आप जो भी व्याख्या कर रहे हैं उसमें क्या कर रहे हैं, आप शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग कर रहे हैं, जो भी आप चार्ट ले गए होंगे, कोई मैप ले गए होंगे बना के, या फिर कोई सहायक सामग्री आपके पास होगी, कोई मटेरियल होगा, तो यहाँ पर उन सब चीज़ों का समावेश होना चाहिए ताकि बच्चे और भी अच्छी तरीके से समझ सकें। भाषा में धारा प्रवाह होना चाहिए, मीन्स आप नर्वसनेस आप में नहीं आनी चाहिए, ठीक है, बच्चे के सामने आप कॉन्फिडेंस से अपने इस व्याख्या को देंगे, प्रेजेंट करेंगे बच्चों के सामने, और उसमें एक कॉन्टिन्यूटी होनी चाहिए, धारा प्रवाह होनी चाहिए, ताकि बच्चे और अच्छे से क्या करें, ऑब्जर्व कर सकें।
नेक्स्ट है आपका उपयुक्त शब्दों एवं मुहावरों का प्रयोग किया जाना चाहिए। आप उपयुक्त शब्दों और मुहावरों का भी प्रयोग करेंगे। तो ये आपके हो गए कुछ पॉइंट्स, आई होप कि आप अंडरस्टैंड किए होंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं हम कि इस पर लेसन प्लान हम कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पर आप सबसे पहले ऊपर लिखेंगे व्याख्या कौशल, मीन्स एक्सप्लेनेशन मेथड स्किल। यहाँ पर है आपका विद्यालय का नाम, आपकी टीचिंग जिस स्कूल में लगी होगी आप विद्यालय का नाम लिखेंगे। इसमें देखिए टीचिंग तो लगेगी नहीं किसी स्कूल में, आप क्या करेंगे प्यूपिल टीचर के बीच ही पढ़ाएंगे, मीन्स अपने ही क्लास में आप पढ़ाएंगे। तो यहाँ पर आप जिस स्कूल में बीएड चल रहा होगा उस स्कूल का नाम लिखेंगे आप। नेक्स्ट है आपका छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका का नाम, यहाँ पर आप अपना नाम फिल करेंगे। नेक्स्ट आप इस तरीके से बॉक्स बनाएंगे, ये जो टेबल बनाएंगे इसमें आपका दिनांक, कक्षा, विषय, उप विषय, कालांश और अवधि का। इसमें देखिए दिनांक आपकी, आप जिस दिन टीचिंग कर रहे होंगे दिनांक लिखेंगे, जिस भी क्लास में आपकी, जिस भी क्लास का आपने टॉपिक बनाया है वो लिखेंगे। फिर आपका विषय, विषय में आपका हिंदी होगा, उप विषय में आपका, यहाँ पर हिंदी में आप पद्य पढ़ा रहे हैं तो यहाँ पर पद्य होगा। कालांश में आपकी क्लास का कौन सा पीरियड है आप इसमें डाल देंगे। फिर है आपका इसमें अवधि, अवधि में आप 6 से 8 मिनट फिल करेंगे। अब आप देख रहे हैं प्रकरण, और आज का आपका प्रकरण है भिक्षुक। ठीक, आप यहाँ पर पूर्व ज्ञान, पूर्व ज्ञान क्या है, आप यहाँ पर बच्चों से एक्सपेक्ट करते हैं कि बच्चे कुछ ना कुछ आपके इस टॉपिक के बारे में जानते होंगे। तो देखिए छात्र भिक्षुक नामक कविता के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं, यह आप बच्चों से क्या करते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं। अब देखिए मैंने आपको प्रस्तावना तक बताया था कि किस तरीके से आपको क्वेश्चन बनाना है, अब आप प्रस्तुतिकरण मीन्स प्रेजेंटेशन देंगे। आप किस तरीके से बच्चों के सामने प्रेजेंट करेंगे अपने इस टॉपिक को, इसे हम कहते हैं प्रेजेंटेशन। तो यहाँ पर आप लिखेंगे शिक्षण बिंदु, ठीक है, क्रमांक संख्या लिखेंगे, शिक्षण बिंदु लिखेंगे, मीन्स पद्य व्याख्या लिखेंगे यहाँ पर, और छात्राध्यापक कथन लिखेंगे और छात्र कथन। छात्र कथन में क्या होगा, आप व्याख्या दे रहे हैं तो ये क्या होता है, शिक्षक जो आप कह सकते हैं इसमें टीचर सेंटर्ड मेथड होता है, इसमें जो शिक्षक होता है वही एक्सप्लेनेशन देता है और बच्चे ध्यानपूर्वक बैठ के सुनते हैं। इसमें बच्चे एक्टिव नहीं होते हैं, बच्चे सिर्फ ध्यानपूर्वक बैठ के सुनते हैं। तो यहाँ पर देखिए आप यहाँ पर इंडिकेट करेंगे कि कहाँ से कहाँ तक आप पढ़ा रहे हैं बच्चों को, तो वह आता है से लेकर फैलाता तक आप बच्चों को यहाँ पर क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। तो यहाँ पर आप अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर देंगे, जैसे कि देखिए एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है, बच्चों एक गरीब भिखारी जब रास्ते पर चलता है तो लकड़ी का सहारा लेता है, वह भिक्षुक अपने दोनों बच्चों को जो उसके अति प्रिय हैं, जिसे वह दो कलेजे के टुकड़े कहता है, वह अपने कलेजे के टुकड़े को अलग अलग रास्ते पर जाने व भीख मांगने के लिए अपने आप को अफसोस करता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका यहाँ पर एक्सप्लेनेशन। अब आप क्या करेंगे, बोध प्रश्न करेंगे, मींस आप जो भी एक्सप्लेनेशन करेंगे, जो भी आप व्याख्या देंगे उसी में से आप बच्चों का मूल्यांकन भी करेंगे बोध प्रश्न के द्वारा, ताकि आप समझ सकें कि बच्चों को जो आपका एक्सप्लेनेशन है वो समझ में आया कि नहीं आया। तो यहाँ पर आप क्वेश्चन करेंगे, बच्चों भिक्षुक चलता है तो किसका सहारा लेता है, भिक्षुक के कितने पुत्र थे, भिक्षुक अपने दोनों पुत्रों को किसका टुकड़ा कहता था। तो ये आपका कुछ बोध प्रश्न हो गया है। आई होप कि आप अंडरस्टैंड किए होंगे। हमारा नेक्स्ट होगा प्रश्नीकरण कौशल, जो कि हम देखेंगे नेक्स्ट अपने वीडियो में। आई होप अंडरस्टैंड आप किए होंगे, आई होप कि आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी। आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो देख लीजिए, मैंने आपको उद्देश्य और प्रस्तावना कौशल पर वीडियो प्रोवाइड किया हुआ है। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट, एंड प्लीज़ कीप सपोर्टिंग। Thank you.